हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर। आपने शायद सुना होगा कि दो मुल्कों में अगर जंग हो तो उनमें से एक मुल्क का सदर अगर दूसरे मुल्क में चला जाए, वो भी जंग के वक्त, तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन ऐसा हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, मिस्टर पुतिन है वो, जो यूक्रेन का विजिट कर चुके हैं, वो भी सीक्रेटली। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कहा जा रहा है, और बल्कि इसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है, कई आर्टिकल्स है वो भी पब्लिश हो चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं रूटर्स का आर्टिकल, पुतिन विजिट्स रशियन कंट्रोल्ड यूक्रेन टू डिस्कस वार विद सीनियर जनरल। जी हाँ जी बिल्कुल, लुहांस जो कि यूक्रेन की टेरिटरी है, जो रशिया ने कब्जा ली है, इस वक्त अपने बस में कर ली है, तो उस पुतिन वहां पे गए हैं और उन्होंने अपने कई मिलिट्री, जो वहां के मिलिट्री जनरल हैं, उनसे मुलाकात भी की है, और बहुत ही एक मैं कहूँगा शानदार वीडियो भी इसके साथ ही रिलीज कर दी है यूरोपियन मुल्क को चिढ़ाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, रशियन जो है प्रेजिडेंट पुतिन इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। जैसे ही ये विजिट हुआ तो दुनिया भर के जो न्यूज पब्लिशर हैं, उन्होंने आर्टिकल छापने तरह तरह शुरू कर दिए। यहाँ पर आप बीबीसी का आर्टिकल देख सकते हैं, पुतिन विजिट्स ऑक्यूपाइड गैरिसन रीजन इन यूक्रेन। जी हाँ बिल्कुल, बीबीसी को तो आग लगनी ही थी इससे। ये मैं कहूंगा कि बहुत ही सरप्राइजिंग मूव है पुतिन की जानिब से, क्योंकि पुतिन जो है वैसे भी सरप्राइज मूव करते हैं, जब भी करते हैं। अब आपको मैं मैप में समझाता हूँ। ये आप यहाँ पर आ देख चुके हैं, ये रशिया है टोटल, ये मॉस्को कैपिटल ऑफ रशिया, और मिस्टर पुतिन जो आए हैं वो आए हैं यूक्रेन की टेरिटरी लुहांस में। यहाँ पर उन्होंने अपने, क्योंकि इन्होंने कब्जा लिया रशिया ये एरिया, और यहाँ पर उसने अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर भी बना लिए हैं, और यहीं पे वो लैंड हुए अपने हेलीकॉप्टर में, और यहाँ पे जो जो उनकी मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहां पर जाकर अपने मिलिट्री जो भी ऑफिसर हैं उनसे मुलाकात की, और एक अच्छी सी वीडियो मैं कहूँगा बना के और इसको पब्लिश भी कर दिया यूरोपियन मुल्कों को चढ़ाने के लिए। ये वीडियो के आते ही, सामने आते ही पूरे उसमें यूरोप में खलबली मच गई। यूएसए कहाँ पीछे रह सकता था। और तो यूक्रेन के जो सदर है ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने ये कहा कि ये एक दहशत गर्दाना मूव है पुतिन की जानिब से, लेकिन मिस्टर पुतिन को इसकी कोई परवाह नहीं है, और वो जो जो उसके मन में आता है वो करता है। जी हाँ बिल्कुल, इसी मूव पुतिन का ये मूव जाहिर करता है कि रशिया अब और ज्यादा बैठने वाला नहीं, और बहुत जल्द ये यूक्रेन के और भी इलाके अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा, और वो कर रहा है, क्योंकि जैसे उसने हेडक्वार्टर पे यहाँ पर लैंड किया तो मिलिट्री की जानिब से उसका वार्ड वेलकम किया गया, और उनको ये भी कहा गया कि हम बहुत जल्दी यूक्रेन के और भी जो एरिया हैं वो भी अपने बस अपने कब्जे में कर लेंगे। तो जैसे ही मिस्टर पुतिन की ये वीडियो सामने आई तो यूरोप भर में खलबली मच गई कि ये कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क से इसकी जंग चल रही है उसी मुल्क में विजिट कर आए, और वो भी इतना सीक्रेटली, वो किसी को पता भी ना चले। लेकिन रशिया का जो सरकारी मीडिया है उसने इसकी वीडियो भी रिलीज कर दी है, जो कि आप इस वक्त देख भी सकते हैं। यहाँ पर आर्टिकल मजीद कहता है कि मास्को जो है उसने ये क्लेम किया कि यूक्रेन के जो रीजन है वहां पर उसने पुतिन ने वहां को विजिट किया है, और इसके अलावा कह रहे ड्रेस्ड हैवी ब्लू जैकेट पुतिन 70 साल के जी हो गए हैं बिल्कुल, और कह रहा है वो अभी भी ऐसे बन ठन के वहां पहुंच गए हैं यूक्रेन में। वहां पर उसके जाके जो मिलिट्री है उनके साथ मीटिंग हुई है, और आने वाले जो भी यूक्रेन में जो करना है उसके लायमल के बारे में उसको पुतिन को आगाह किया गया है। अब इसके विजिट से खित्ते पे क्या असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।